अगर स्पीड ब्रेकर आता था तो मेरा लिवर भी ऊपर नीचे होता था। अगर मैं रात में सोऊं तो मुझे फ्लैट ही सोने को कहा गया था, क्योंकि अगर मैं लेफ्ट जाऊंगी तो लिवर भी लेफ्ट जाता था और राइट जाऊं तो वो राइट जाता था, क्योंकि बहुत जगह हो गई थी। मेरा नाम अंकिता श्रीवास्तव है। मैंने 18 इयर्स की एज में अपनी मदर को लिवर डोनेट किया था। मैं एक एथलीट हूँ। मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में बाई दी ओलम्पिक्स एसोसिएशन, और मैंने 2 सिल्वर और 1 गोल्ड जीते हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। मैं मीडिया एंड एंटरटेनमेंट में बिजनेस चलाती हूँ, अभी हेल्थ केयर स्पेस में काम कर रही हूँ। जैसे ही वो ट्रांसप्लांट ख़त्म हुआ, आई रियलाइज़ कि कैसे लाइफ चेंज हो जाती है एकदम से। जब मैं उठी तो मेरी पूरी बॉडी में वायर्स थे, और कुछ 2-3 महीने की रिकवरी के बाद मेरी मदर की डेथ हो गई। तो आई थिंक वो एकदम से इतना सारा आया कि मेंटली फिजिकली आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग। मैंने लिटरली शुरू से सीखा कि बैठना कैसे है, खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है। और कुछ 1.5 साल की रिकवरी के बाद मुझे पता चला था वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स के बारे में, तो मैंने इंडियन टीम में सिलेक्शन लिया। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम एक फिट इंसान जब स्पोर्ट्स के लिए अपने आप को रेडी करता है। बट आई थिंक ओवर द ईयर्स कंसिस्टेंसी हैज़ बीन द की। अगर आप कंसिस्टेंटली एक चीज़ करते हो तो यू रीच देयर। व्हेन माय मॉम पास्ड अवे, उनके पास एक ब्लैक डायरी होती थी, उसमें उनने ये मेंशन किया था कि बहुत सारी चीज़ें कि दीदी की शादी करनी है और ये लोग गेस्ट में आएंगे, ऑफिस में ये करना है, इससे बात करनी है, ये मीटिंग करनी है, वो मीटिंग करनी है। एंड शी वेंट अवे इन अ फ्लैश, वो डायरी रह गई। तो वो मुझे हमेशा ब्रेक करता है जब मैं सुबह उठती हूँ। मैं अपने आप को बोलती हूँ कि रात में बहुत सारे लोग थे जो नींद में जिनकी डेथ हो गई है, और बहुत सारे लोग जिनने तमाम प्लान्स बनाए होंगे जो नहीं पूरे हुए। आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे ये दिन दिया गया है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इस दिन को जितने एक्सपीरियंसेस से भर सकूँ। उससे ये भी होता है कि मुझे बहुत नए नए एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, बहुत सारे फेलियर्स मिलते हैं, बहुत सारे सक्सेसेस मिलते हैं, लेकिन ओवर अ टाइमलाइन अगर आप 10, 12, 13 साल में देखोगे तो समथिंग लाइक दिस हैपेंस के बहुत सारी कुछ अच्छी चीज़ें भी हो जाती हैं लाइफ में। अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती। अगर मैं स्पोर्ट्स खेल रही हूँ तो क्या मैं अपनी मदर की जान नहीं बचा सकती? मैं सब कुछ कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो। तो आई बिलीव इन दिस फिलोसफी एंड आई थिंक सम पीपल कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस।